गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये हमारी मोरल की बुक है ना। हमारा मोरल की बुक का फाइनल टाइम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हमारा टॉपिक चल रहा था द सैंडी रोड। तो ये चैप्टर नंबर 6 है द सैंडी रोड। इसमें हमने ये एक स्टोरी है, एक मर्चेंट की स्टोरी होती है। तो एक स्टोरी का आधा पार्ट हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें हाफ स्टोरी है ना। आज इसका हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए। तो द ऑक्शन वेंट ऑन फॉर द होल नाइट। इस तरीके से जो मर्चेंट जो था, है ना, मर्चेंट जो था कि जो कि अपने साथियों के साथ अपना सामान बेचने के लिए, एक फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं हम। देखिए, एक छोटा सा गांव था, एक समय की बात है, यहाँ पर एक मर्चेंट रहता था, व्यापारी रहता था, और उसका छोटा सा गाँव में वो रहता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना, उसने सोचा कि उसके पास बहुत सारा सामान था, उसने सोचा कि मैं अपना सामान जो है गांव में तो बेचता ही हूँ, गांव के अलावा मैं शहर में जाके बेचूं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत प्रॉफिट होगा। तो ये सोचा उसने, और उसने प्लान बनाया। वो अपने साथियों के साथ, अपने कैमल्स के ऊपर उसने अपने सामान जो है वो लोड किया, और अपने कुछ साथियों के साथ और अपने कैमल्स को साथ लेकर वो आगे की ओर बढ़ गया, उस टाउन की ओर बढ़ गया। तो सबसे पहले उन लोगों को एक डेजर्ट दिखाई दिया, डेजर्ट रास्ते में एक डेजर्ट दिखा, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है। तो उनके साथ जब वो जा रहे थे तो वो उनके साथ उनका सामान भी था, खाने पीने का भी सामान था, पानी भी था, बहुत सारा पानी भी रखा था, खाना भी था, और उनके फायर बुड्स भी रखी हुई थी, यानी बहुत सारा सामान, जलाऊ लकड़ियाँ भी रखी थी। और जब दिन के समय तो वो आराम करते थे, खाना पका कर वो सो जाते थे, रेस्ट करते थे। और जैसे ही सनसेट होता था, यानी सूरज जैसे ही डूबता था, उसके बाद उनकी ट्रैवलिंग जो है जर्नी स्टार्ट होती थी। मतलब दिन में ये रेस्ट करते थे और रात में ये अपना ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देखिए, द ऑक्शन वेंट ऑन फॉर द होल नाइट। जो ऑक्शन जो थे, जो उनके बेल थे, वो रात भर चलते रहे, है ना। नियर डे ब्रेक द गाइड अवॉक एंड लुक्ड एट द लास्ट स्टार्टेड फाइंडिंग इन द नाइट। उनमें क्या, जो डे ब्रेक, जैसे ही डे ब्रेक होता है, जो गाइड होता है, गाइड जागा मतलब सुबह हो गई, तो रात भर तो वो चले, वो अपने पूरी टोली के साथ चला जो मर्चेंट था, है ना। लेकिन जैसे ही दिन की शुरुआत होती थी, वो अपना स्टॉप कर देते थे चलना। तो इस तरीके से जो गाइड जो था वो जागा था, गाइड की नींद खुली तो उसने देखा कि लाइट जो है लास्ट स्टार्स को देखा, यानी लाइट मतलब रोशनी में उसने आखिरी तारे को देखा। ही सेड टू द ड्राइवर, उसने गाइड ने अपने ड्राइवर्स से कहा, है ना, स्टॉप, रुको, यहाँ पर रुको। उसने अच्छा, वो कैसे जा रहे थे, अंदाज़ा कैसे लगा रहे थे, वो रात में जब जाते थे तो वो क्या करते थे, स्टार्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, है ना। तो स्टार्स की पोजीशन को देखते हुए मर्चेंट जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो जो गाइड था, जो कि इनको गाइड कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि जो लाइट में, रोशनी में एक आखिरी तारा उनको दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि रुको, स्टॉप, मतलब ड्राइवर से कहा जो कि उनकी गाड़ियों को चला रहे थे कि स्टॉप हो जाओ, वी आर इन द सेम प्लेस वेयर वी आर यस्टरडे। उन्होंने कहा कि हम तो वहीं पहुंच गए जहां पर कल थे हम, है ना। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि वो जो गाइड जो कर रहा था, वो उसकी नींद लग गई थी। तो गाइड करते करते वो सो गया, क्योंकि क्यों सो गया था, नींद क्यों लग गई थी उसकी, क्योंकि वो बहुत दिनों से सोया नहीं था। तो जरा सा उसको रेस्ट मिला तो उसकी नींद भी लग गई, तो वो रास्ता नहीं बता पाया, तो वो लोग जहाँ थे वहीं पर दोबारा से आ गए। ठीक है, द ऑक्सन मस्ट हैव टर्न्ड अबाउट वाइल आई स्लेप्ट, मतलब उन्होंने कहा ऑक्सन को टर्न कर लो क्योंकि मेरी नींद लग गई थी। दे रिलीज द ऑक्सन बट देयर वॉज नो वाटर फॉर देम टू ड्रिंक एज दे हैड थ्रोन अवे द वाटर द प्रीवियस नाइट। उन्होंने क्या कहा, उनके जो ऑक्सन थे उन्होंने अपने बैलों को रिलीज़ कर दिया, यानी बैलगाड़ियों से में से बैलों को निकाल दिया, है ना। और निकालने के बाद उनके पास जो पानी था, जो कि उन्होंने पहली रात ख़त्म कर दिया था, क्योंकि गाइड कहने लगा अब तो हमारा टारगेट आने ही वाला है, हम जिस शहर में जा रहे हैं वो शहर आने ही वाला है, सुबह तक हम पहुँच ही जाएंगे।
तो ऐसा करो, इन लकड़ियों को भी फेंक दो, लकड़ियों को भी फेंक दो, जो बचा कुचा हमारा पानी था वो भी उन लोगों ने सबने फेंक दिया था, तो उनके लिए उनके पास पीने के लिए भी पानी बिल्कुल नहीं था। ठीक है, दे स्प्रेड आउट द कवरिंग ओवर द कार्ट्स एंड द ऑक्सन रेस्टेड टायर्ड एंड थर्स्टी। लेकिन जब उन्होंने वो जो कार्ट्स जो थे, जो कार्ट्स था, बैलगाड़ियाँ जो थी, बैलगाड़ियों में से बैलों को जब निकाला तो वो रेस्ट करने लगे, लेकिन वो बहुत थक चुके थे, जो ऑक्सन थे बहुत थक चुके थे और थर्स्टी भी हो गए थे, यानी उनको प्यास भी लगने लगी थी, है ना। द मैन ले डाउन टू सेइंग विदाउट वुड एंड वाटर वी आर लॉस्ट। अरे उन सब ने कहा कि अरे ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने पानी भी फेंक दिया, लकड़ी वगैरह, अब हमारे पास ना तो लकड़ियां हैं ना पीने के लिए पानी है, हम सब खो चुके हैं। ठीक है, चलिए। एवरीवन वाज टायर्ड एंड सैट डाउन, सभी लोग जो थे बहुत थक चुके थे इसलिए वो नीचे बैठ गए। द मर्चेंट थॉट, मर्चेंट ने सोचा, दिस इज़ नो टाइम फॉर मी टू स्लीप, ये मेरे लिए सोने का टाइम नहीं है, है ना, आई हैव टू फाइंड वाटर, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूँ। द ऑक्सन कैन नॉट स्टार्ट अनलेस दे गेट वाटर टू ड्रिंक, और जो ऑक्सन थे, जो एनिमल्स थे, यदि पानी नहीं पियेंगे तो वो आगे चल भी नहीं पाएंगे, उनको पीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो मैं ढूंढ कर लाता हूँ। द पीपल नीड वाटर अदरवाइज दे कैन नॉट कुक राइस, और वो जो लोग थे उनको भूख भी बहुत लगी थी, तो उन्होंने उनको खाना भी पकना था, चावल भी बनाना था, तो चावल बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। इफ़ आई गिव अप वी विल लॉस, हमने ये फेंक दिया, हमने ये पानी जो है, यदि हम पानी नहीं छोड़ते तो आज वो हमारे पास होता, हमने ये बहुत बड़ा हम लॉस कर दिया। ठीक है, देयर मस्ट बी वाटर समवेयर बिलो, चलो मैं जाकर यहाँ पर कुछ पानी है मैं देखता हूँ। ही वॉक्ड डाउन, वो नीचे की ओर आ गया, एंड डाउन कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑफ द ग्राउंड, है ना। फाइनली ही सॉ सम ग्रास एंड थॉट, मतलब वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा, तो उसने देखा कि फाइनली जो है उसने कुछ घास को वहाँ पर देखा, है ना, आगे बढ़ा, उसने देखा कि घास है। देयर मस्ट बी वाटर समवेयर बिलो अदरवाइज दैट ग्रास वुड नॉट बी देयर, उसने सोचा कि यहाँ पर जरूर आसपास कहीं पानी है, और यदि पानी नहीं होता तो ये जो घास उगी हुई है वो नहीं उगती, घास कहाँ उगती है, जहाँ पानी होता है। ठीक है, वहाँ आसपास उसने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ हरी हरी घास है, मतलब यहाँ पर पानी ज़रूर है। ही रन बैक श्रिंकिंग टू द पीपल गेट द स्पेड एंड द हैमर, तो वो आगे की ओर बढ़ा और उसने क्या करा, उसने लोगों को छोड़ दिया। गेट द स्पेड एंड द हैमर, उन्होंने क्या करा, हैमर ले लिया, हैमर यानी हथौड़ा होता है, और फावड़ा भी ले लिया, ये इसके हाथ में देखो हैमर दिख रहा होगा। ठीक है, ऑल ऑफ देम जम्प्ड अप एंड रन विद द मर्चेंट टू द स्पॉट वेयर ही सो द ग्रास, आप सभी लोग जो मर्चेंट के साथ थे वो सभी लोग जो है वो हैमर लेकर जो है आगे की ओर बढ़ गए, है ना, मर्चेंट ने उनको एक जगह दिखाई जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पर पानी है, तो सभी लोग हैमर लेकर वहाँ पर पहुँच गए, है ना। दे स्टार्टेड डिगिंग एंड आफ्टर मच ट्वाइल दे स्ट्रक अ रॉक, आफ्टर दिस दे कुड डिग नो फर्दर, मतलब उन्होंने जैसे ही डिगिंग करना शुरू की, जैसे ही खोदना शुरू किया, तो उनको क्या देखा, उनको क्या हो गया, टॉयलेट जाना था, उनको क्या करना था, टॉयलेट जाना था। दे स्ट्रक ए रॉक, आफ्टर दिस दे कुड डिग नो फर्दर, उनको टॉयलेट भी आ रही थी, है ना। द मर्चेंट जम्प डाउन इन टू द होल दे हैड डग एंड कैप्ड हिज ईयर टू रॉक, तो जो वो तो चले गए वो लोग तो, लेकिन जो मर्चेंट था उसने क्या, उसको लगा, वो मर्चेंट जो था वहाँ पर जो रॉक था वहाँ पर उसने जंप करा कूदा, और उसने देखा कि होल है यहाँ पर होल है, और उसको उसके कानों में, उसने जैसे ही उसको खोदना शुरू किया वैसे ही उसे लगा, उसके कानों में लगा कि यहाँ पर कुछ रॉक है, यानी यहाँ पर क्या रखा हुआ, चट्टाने हैं। He called to them, उन्होंने उसको बुलाया, मर्चेंट जो था जो उनके साथ पीपल थे तो वो तो कहीं चले गए थे, तो उसने उन सबको बुलाया, मर्चेंट ने उनके साथियों को बुलाया। आई कैन हेयर वाटर रनिंग अंडर हिस दिस रॉक, तो मर्चेंट ने कहा कि देखो ये जो चट्टान है उसमें मुझे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी बहता हुआ पानी की आवाज़ मुझे आ रही है। वी मस्ट नॉट गिव अप, हम इसको नहीं छोड़ सकते। देन द मर्चेंट केम आउट ऑफ द होल एंड सेड टू द सर्विंग बॉय,
माई बॉय इफ़ यू गिव अप वी आर लॉस्ट। और मर्चेंट जो है, व्यापारी जो है, आगे आया और उसने उस होल के पास आया और कहा कि देखो देखो देखो, हम इसको नहीं छोड़ सकते, वी आर लॉस्ट, यदि हम इसको छोड़ देंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। प्लीज़ गो डाउन एंड ट्राई, चलो और खोदो और आगे आओ ट्राई करो बार बार। द बॉय स्टूड अप रेजिंग द हैमर हाई अबव हिज हेड एंड हिट द रॉक विथ हिज फुल स्ट्रेंथ। और एक उसमें से एक लड़का जो कि खड़ा हुआ था, उसने अपने हैमर को उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस चट्टान को क्या करा कि उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश की, अपनी पूरी शक्ति लगा ली, उसके शरीर में जितनी ताकत थी पूरी ताकत से उसने हैमर को मारा। ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यानी थिंकिंग द वर्ड्स ऑफ द मर्चेंट ने कहा ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। एवरी टाइम द हैमर केम डाउन ही थॉट दैट एवरी वन मस्ट बी सैड। तो इस तरीके से जितने हैमर वो मारता गया, हैमर से वो मारते गए और फिर उसने सोचा कि एवरी वन मस्ट बी सैड, हमें सबको बचाना है, सभी को पानी की ज़रूरत थी। अल्टीमेटली द रॉक ब्रॉक, और क्या हुई अल्टीमेटली आखिरी में हुआ क्या कि जो रॉक है वो ब्रॉक हो गई, यानी रॉक जो है, जो चट्टान जो है वो तड़कने लगी। द बॉय हार्डली कॉट एनी टाइम टू कम आउट द होल एंड इट वॉज फुल ऑफ वाटर। और आखिर में चट्टान टूट गई और चट्टान के टूटने से जो बच्चे जो लड़का था वो बहुत ही मेहनत कर रहा था तो मेहनत का फल ये हुआ कि चट्टान टूट गई और वहाँ से बहुत सारा पानी निकलने लगा। ऑल द मैन ड्रैंक वाटर, सभी जितने भी लोग थे सभी ने पानी पिया। एज इफ़ दे कुड नेवर गेट इनफ, है ना, सभी ने पानी पिया और यदि ये नहीं होता तो यदि वो मेहनत नहीं करते तो वो पानी भी नहीं पी पाते। दे वाटर द ऑक्सन एंड टुक बाथ, तो क्या करा उन्होंने, खुद भी पानी पिया, उनके साथ जो एनिमल्स थे उनको भी पानी पिलाया और साथ में उनको नहलाया भी, ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, और उन्होंने भी नहाया। आफ्टर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग यानी पानी पीने के बाद, नहाने के बाद, दे स्प्लिट द एक्स्ट्रा वुडन यॉक्स एंड एक्सल्स फ्रॉम देयर कार्ट्स। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियाँ रखी थी तो उन्होंने क्या करा, अपने कार्ट्स में से उनको उठाया। दे मेड ए फायर आउट ऑफ, उनको एक्सल से, उनकी जो कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से लकड़ियों को काटा और दे, और जो उसमें से लकड़ियाँ जो हैं वो छोटे छोटे पीस किए। दे मेड ए फायर आउट ऑफ इट एंड कुक्ड देयर राइस, और आगे जलाई और आगे जलाकर उन्होंने चावल पकाए। दे हैड देयर मील एंड रेस्टेड थ्रू द डे, और इस तरीके से दिन में वो क्या करने लगे, उन्होंने खाना, चावल बनाए, खाए और आराम करने लगे। दे ऑल्सो प्लेस द फ्लेग ऑन द वेल सो दैट द पासिंग ट्रेवलर्स कुड सी एंड हैव वाटर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक झंडा लगा दिया ताकि यदि दूसरे व्यापारी, दूसरे लोग वहाँ से, यात्री वहाँ से निकले तो उनको मालूम पड़ जाए कि यहाँ पर पानी है और यहाँ से वो पानी पी लें। आफ्टर द सनसेट, जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, सनसेट होने लगा, दे स्टार्टेड देयर जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड रीच द टाउन इन द मॉर्निंग, और सुबह तक वो अपने शहर में पहुँच गए। दे सोल्ड द गुड्स मेकिंग हग प्रॉफिट्स एंड हैप्पीली रिटर्न बैक टू देयर वे। इस तरीके से उनके पास जो सामान था, उनके पास जो गुड्स था, उन्होंने बेचा, सारे सामान को बेचा और इसके बदले में उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ और वो खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट चले। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिली, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या मिला, क्या सीखने को मिला, तो इस चैप्टर से हमें लास्ट में ये सीखने को मिला है कि विल एंड डिटर्मिनेशन कैन अचीव एनीथिंग। यानी हम अपने मन में कोई दृढ़ इच्छा बना ले, हम अपने मन में यदि दृढ़ इच्छा कर लें कि नहीं, हमें ये चीज़ ले प्राप्त करनी ही है, तो हम अपनी दृढ़ इच्छा से किसी भी प्रकार की, किसी भी कठिन से कठिन कठिनाई को भी हम बहुत ईजिली तरीके से पार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षा, ये जो चैप्टर है हमें यही सिखाता है कि किसी भी काम को हम कर सकते हैं, बस ये है कि हमारे अंदर मन से, सच्चे मन से हमें वो काम करना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से काम करेंगे तो हमारा काम जो है कभी भी असफल नहीं होगा और हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते ही जाएंगे, ओके।